तुम्हारे अब्बा ने वलीद की शादी नगमा से क्यों कराई यार? तुम्हारे ऊंचे खानदानों में क्या काल पड़ गया था लौंडियों का? अभी इस वक्त इस बात का जिक्र कहां से आ गया? भैया मैच तो मिलाता है ना आदमी। सुना नहीं तुमने, जोड़े आसमानों पे बनते। अबे सब कहने की बात है, जोड़े आसमानों पे बनते। इंसान गलत जोड़े बनाता है, फिर कहते थे अल्लाह मियां ने बनाए। वैसे एक बात बताओ, मैंने सुना है तुमने भी अपनी बीवी को तलाक दी है। यार तुम्हारे खानदान में तलाक का बड़ा बोलबाला है। पहले नगमा को वलीद तलाक दे रहा था, वो तलाक दिए बगैर भाग गया, फिर तुमने अपनी बीवी को तलाक दे दी। चक्कर क्या है ये? बिजनेस तो नहीं है तुम्हारा तलाक का? वलीद ने नगमा को तलाक नहीं दी और ना वो कभी देगा, और अब तो बिल्कुल भी नहीं देगा, बाप जो बन गया। नहीं 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 नहीं, भरोसा नहीं है तुम लोगों का। अच्छा छोड़ दो, वलीद को उसका मैच नहीं मिलता था ये तो पता है, तुमने क्यों तलाक दी ये बता दो। सच बताऊं, मैं अपनी बीवी को तलाक देना नहीं चाहता था। पता नहीं कैसे क्या हो गया, और तुम्हें पता है ये सब कुछ इस नगमा की वजह से हुआ। अच्छा अब समझ आई मेरे बात। यार ये जो औरतें हैं ना, ये बड़ी खतरनाक। वो एक अलग बात है, मुझे पसंद है, हमसाए होने की हैसियत से, इसीलिए कह रहा हूँ भैया इनको यहीं रहने दो, अच्छा है। छोड़ तो नहीं सकते, हाँ मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा अगर मुझे सुहैना वापस नहीं मिली तो। अब कैसे मिल सकती है बलाज बाबू? तुमने दे दी तलाक, बात हो गई खत्म, द एंड। अब तुम कहीं और शादी कर लो, वो कहीं और शादी कर लेगी। नहीं मैं सुहैना को छोड़ूंगा नहीं, कभी भी नहीं। छोड़ने के बाद कह रहे हो कि छोड़ नहीं सकता, ये भी अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। चाय बड़ी मीठी देगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम शादी करोगे तो तुम तलाक दे दोगे? क्यों दे दूंगा तलाक, पागल समझाएगा? नहीं जैसे अगर कोई बात हो जाए, कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो जाए, कोई ऐसी वजह हो तो। देखो यार ये जो बीवी होती है ना, ये घर की इज्जत होती है, बात छोटी हो या बड़ी हो। या तो आदमी शादी ना करे, बहुत पते की बात बता रहा हूँ, गौर से सुनना, या तो आदमी शादी ना करे, और करे तो फिर तलाक ना दे, ये मेरा मानना है भाई। और अगर तुम्हें उसके एवज बहुत सारे पैसे मिल रहे हो तो? तुमने क्या पैसों के चक्कर में आगे तलाक दी थी? मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी बड़ी सी दुकान हो, अपना मकान हो, तो हाँ यार ये ख्वाब तो है मेरा। तो अगर तुम्हें कोई पैसे दे और कहे कि शादी कर लो और उसके बाद तलाक दे दो, तो तुम कर लोगे क्या? यार ये देखो हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता। यार देखो मेरे से कोई शादी करेगा नहीं, और ना ही मुझे कोई छप्पड़ फाड़ के कुछ देगा, तो जब कोई चीज हो ही नहीं सकती तो उसमें सोचना कैसा है? तुम नंबर दो मुझे अपना। नंबर शादी करा रहे हो मेरी? हाँ हो सकता है करा दूं। लिखो फिर 0322। अच्छा वो जो मैसेज वैसेज आते हैं ना थोड़े, जिस पे पढ़ के हंसी आ जाए, भेज दिया करना। अगर वो फारिग बैठा हो तो दुकान पे पढ़ लिया करूंगा, थोड़ी दिल पशोरी हो जाएगी। चाय पियो, चाय पियो, ठंडी हो रही है।